बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी ख़वातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने लगी हूँ जिसके करने से एक बहन कहती हैं कि घर बैठे उन्होंने इज़्ज़त की रोटी कमानी शुरू कर दी है। पहले वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन जब से उन्होंने ये अमल करना शुरू किया है उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और वो घर बैठ के अपनी तनख्वाह से ज़्यादा कमा रही हैं। वो फरमाती हैं कि मोहतरम हकीम साहब, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, रोज़ नौकरी करने से मैं तंग आ चुकी थी। रास्ते में लोगों की जहरीली नज़रें और जुमले सुनती तो दिमाग फटने को आ जाता। मज़ीद ये कि जो तनख्वाह मिलती इसमें बचत ही नहीं होती थी, सब ख़त्म हो जाता था। इसी दौरान चचा ने मुझे अपनी रसाला दिया, इसमें मैंने बरकत वाली थैली का अमल पढ़ा। मैंने वो अमल करना शुरू कर दिया। हालात ऐसे बने कि मैंने नौकरी छोड़ दी, थैली बिल्कुल खाली थी, लेकिन मैंने अमल नहीं छोड़ा। मैं सुबह शाम 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर थैली पर दम करती रही। फिर मैंने बच्चों को घर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। घर बच्चे बहुत पढ़ने के लिए आने लग गए और पैसों में इतनी बरकत कि स्कूल की तनख्वाह में इतनी कभी बचत नहीं हुई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि घर बैठे इज्जत से रोज़ी मिल रही है और मुझे घर से बाहर जाना नहीं पड़ता। लोगों की गलीज नज़रों से बच गई हूँ, स्कूल के लाख झमेलों से बच गई हूँ, ज़िंदगी पुरसकून हो गई है। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।